हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में आप सबको याद होगा हमने परसेंटेज का एक नया कंसेप्ट सीखा था, जिसमें प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर का हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था। उसके बेसिस पर क्वेश्चन हमने किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो आइए हम आज के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कल के लिए मैंने शायद आपको क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चंस थे अगर आपको याद होगा। देखिए क्वेश्चंस, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है दोस्तों। पता नहीं अगर आपने अगर किए होंगे नहीं किए होंगे, मैं आप पहले हम जो कल के होमवर्क वाले क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आज का नया कंसेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन देखिए, बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 24% ए पर्सन कैन बाय 4 kg मोर फॉर 250 rupees। सबसे पहले हमें प्राइस एंड कंजप्शन के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना। प्राइस क्या है, कितना रिड्यूस होता है प्राइस, 24%, यानी कि 24/100 मतलब 12/50 या फिर 6/25 आप बोल सकते हो इसको। यानी कि पहले वो 25 था, फिर वो कितना कम हुआ, 6 कम हुआ और बन गया 19। शायद से ये क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है, शायद से ये क्वेश्चन दोस्तों हमने कल किया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये कल वाला क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है, आज का ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी आज का ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। द प्राइस ऑफ शुगर हैज कम डाउन बाय 20%, शुगर का प्राइस 20% कम होता है। नाउ पर्सन कैन बाय 500 grams मोर शुगर इन ₹108। शुगर का प्राइस कितना कम हुआ, शुगर का प्राइस 20% कम हुआ, यानी कि 1/5। यानी कि पहले शुगर का प्राइस 5 था, फिर वो 1 कम हुआ और बन गया 4। तो कंजप्शन का क्या होगा दोस्तों, कंजप्शन क्या होता है, प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन। तो कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा। अब 4 से 5 जो हुआ, नाउ ए पर्सन कैन बाय 500 grams मोर, ये कंजप्शन जो 4 से 5 बड़ा है, जो ये 1 बड़ा है, ये क्यों बड़ा है, क्योंकि 500 ग्राम अब वो ज़्यादा खरीद सकता है। तो इसका मतलब 1:1 मेरा 500 ग्राम, पहले वो कितना ला रहा था, 4:1 मेरा 200 ग्राम यानी कि 2 kg, और अब वो कितना ला रहा है, 5 यानी कि 2.5 kg। यानी कि पहले वो 2 kg ला रहा था, अब वो 2.5 kg शुगर ला रहा है। द इनिशियल प्राइस पर किलोग्राम, हमें इनिशियल प्राइस बताना है। तो प्राइस का क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मुझे इनिशियल प्राइस यानी कि इनिशियल कंजप्शन का देखना है, प्राइस मुझे फाइंड करना है। कंजप्शन कितनी है इनिशियल, 2 kg, एंड एक्सपेंडिचर कितना है, ₹108। तो यहाँ से प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 rupees, ये होगा आंसर। मुझे उम्मीद है आप सभी ने यह वाला क्वेश्चन सही ढंग से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 30%, फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजप्शन बाय रिड्यूस इट्स कंजप्शन टू ए 10% इंक्रीज इन टी एक्सपेंडिचर। शुगर के प्राइस में क्या हुआ है, शुगर का प्राइस 30% बड़ा है, यानी कि कितना होता है ये, 3/10, यानी कि पहले शुगर का प्राइस, सॉरी पहले टी का प्राइस 10 था, बाद में वो 3 बड़ा, अब हो चुका है 13। इसके बाद कंजप्शन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है, कंजप्शन कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा हुई, कुछ पता नहीं। इसके बाद इन्होंने बताया है एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में इन्होंने बताया है कि एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज होता है, यानी कि 1/10। पहले एक्सपेंडिचर 10 था, अब एक्सपेंडिचर 11 हो चुका है। कंजप्शन का मुझे कुछ पता नहीं, कंजप्शन कितना बड़ा है, मैं उसको एक्स और वाई मान लेता हूँ कि कंजप्शन पहले एक्स था और अब वो वाई हो चुका है। कल हमने ऐसा कंसेप्ट देखा था कि जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो क्या करना होता है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। यानी कि एक्स के नीचे क्या वैल्यू आएगी, 13 × 10, और वाई के नीचे ये है कंजप्शन, ठीक है, वाई के नीचे क्या वैल्यू आएगी, 10 × 11, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि एक्स जो मेरा कंजप्शन था, पहले कंजप्शन मेरा क्या था 13 और बाद में कंजप्शन मेरा क्या हुआ 11, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इफ द टी कंजप्शन बिफोर द प्राइस इंक्रीज वाज 39 kg, जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था, यानी कि जब कंजप्शन शुरू में क्या थी 13, और ये 13 किसके बराबर था, 39 kg के, तो 1:1 कितना, 3 kg,
ठीक है, वट इज दी कंजप्शन नाउ, अब कंजप्शन क्या होगी, कंजप्शन अब क्या है 11, तो 11 रेशो क्या होगा 33 kg, दिस इज दी राइट आंसर। यानी कि पहले 39 kg आपको टी मिल रही थी और अब कितनी मिल रही है 33 kg, क्यों कम मिल रही है, क्योंकि प्राइस 10 से 13 हो गया। ये थे दोस्तों कल के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद है आप सब ने ये क्वेश्चंस किए होंगे। आज के कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का। इसमें सिर्फ आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और मैं आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट सिखाता हूँ, ये कंसेप्ट है क्या दोस्तों। आप इन हर एक वर्ड से वाकिफ होंगे, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड सेविंग्स क्या होती है, इन तीनों के तीनों वर्ड से आप वाकिफ होंगे। इनकम दोस्तों होता है वो पैसा जो हम कमाते हैं, ठीक है, वो पैसा जो हम कमाते हैं वो होती है इनकम, यानी कि जो हम हमेशा 100% रखते हैं, इनकम को हमेशा हम 100% रखेंगे, दिमाग में डाल दो। यानी कि जो पैसा हम कमाते हैं वो होती है हमारी इनकम, डैट इज ऑलवेज 100%। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं, तो अगर मैं रख लूं कि खर्चा हमारा, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है खर्चा, और ये क्या होती है सेविंग्स, यानी कि खर्चा पूरा खर्चा करने के बाद कितना पैसा बचता है वो होती है सेविंग्स। जैसे कि मेरी इनकम 100% है, मैंने बोला कि मेरा पूरा खर्चा जो हो गया वो 60% मेरा खर्चा हो गया टोटल, तो मेरी सेविंग्स क्या होगी, जब 100% में से मैंने 60% खर्चा कर लिया है तो बचेगा क्या, सेविंग्स क्या होगी 40%, ठीक है। ये है इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग आखिर निकलते कैसे हैं। सबसे पहला कंसेप्ट इसका ये है कि आप इनकम को हमेशा 100% मानोगे, इनकम को हमेशा 100% मानोगे, ठीक है। फिर आपको अगर एग्जाम में बोल दिया जाए कि आपका खर्चा, यानी कि आप कुछ रेंट देने में पैसा यूज़ कर लेते हो, या फिर अपने अगर कोई हॉबीज़ हो, कोई पैशन हो, उसमें पैसा यूज़ कर लेते हो, और आपका एक्सपेंडिचर 70% हो गया, 70% आपने खर्चा कर लिया, तो फिर आपकी सेविंग्स क्या होगी, आपका पैसा कितना बचेगा, 100% में से जब आपने 70% खर्च कर लिया तो 30% ही बचेगा, ये होगी आपकी सेविंग्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये है वो कंसेप्ट। और मैंने आपको क्यों बोला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, यानी कि इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो आपकी इनकम होती है, जब आप अपनी इनकम में से माइनस कर देते हो अपना खर्चा एक्सपेंडिचर, वो आपको दे देता है आपकी सेविंग्स, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, आपकी सेविंग्स के बराबर। दिस इज दी दिस इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब आप मुझसे एक दो बातें पूछ सकते हो, क्या आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग प्राइज इंटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर की तरह है, क्यों, ये तो हमने पढ़ा था सक्सेसिव केस है जिसमें हम इस तरह निकालते थे कि प्राइस अगर 10% इंक्रीज हुआ, 10 से 11 हुआ, तो कंजप्शन को हम 11 से 10 कर लेते थे कुछ इस तरह से। लेकिन क्या आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग एक सक्सेसिव केस है, तो ये नहीं है, ये एक सक्सेसिव केस नहीं है, क्योंकि सक्सेसिव केस तभी ये केस बनता है सक्सेसिव केस जब दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन के बाद तीसरी क्वांटिटी मिलती है। अगर दो क्वांटिटीज के प्लस या माइनस के बाद तीसरी क्वांटिटी मिल रही है तो वो सक्सेसिव केस नहीं आता है, सक्सेसिव केस सिर्फ दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन पर ही सक्सेसिव केस आता है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें ये करना कैसे है। इसके ऊपर दोस्तों आपको दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं, दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पहला हम सीखेंगे कंसेप्ट नंबर 1, मैं आपको पूरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपको बोल दिया जाता है कि आपकी कुछ इनकम है, ठीक है, आप कुछ कमा रहे हो, आपकी इनकम है, आप अपनी इनकम का, ध्यान से समझिएगा, आप अपनी इनकम का 10% अपनी बुक्स पे खर्चा कर लेते हो, ठीक। इसके बाद रख लो आप 5% अपनी इनकम का, 5% अपने आप ट्रैवलिंग पर खर्चा कर लेते हो,
यानी कि घूमने फिरने पर खर्चा कर लेते हो। उसके बाद अपनी इनकम का आप 5% अगर आपकी कोई हॉबीज़ है या कोई पैशन है आपका, उस पर खर्चा कर लेते हो। इनकम का 30% आप अपने फूड पर, खाने पर खर्चा कर लेते हो। तो आप मुझे बताओ कि आपकी सेविंग्स क्या होगी, कितनी परसेंट आप सेविंग्स करोगे। ओके, ये होता है पहला कंसेप्ट जिसके अंडर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस वाले केस में सक्सेसिव केस नहीं लगता। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आप कैसे करोगे, आप हमेशा अपनी इनकम को मानोगे 100%। आपकी अगर इनकम इज ऑलवेज 100%, इनकम याद कर लो, आपकी इनकम हमेशा 100% होती है। आपकी इनकम 100% आ गई, ये सब चीज़ें क्या है, 10%, 5%, 5%, 30%, दोस्तों ये सब चीज़ें क्या है, दिमाग लगाओ, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आपका खर्चा है। यानी कि 10% जो आपने बुक्स पे खर्चा किया, 5% जो आपने ट्रैवलिंग पे खर्चा किया, 5% आपने हॉबीज़ पर खर्चा किया, 30% आपने अपने फूड पर खर्चा किया। तो ये सब चीज़ें आ गई आपकी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि 10+5, 15+5, 20+30, 50% आपका एक्सपेंडिचर है, 50% आपका खर्चा है। तो आपका इनकम 100% मानी जाती है, 50% आपका खर्चा हो गया, तो सेविंग्स कितनी परसेंट होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है आपका सेविंग्स। तो इनकम कितनी है 100%, एक्सपेंडिचर कितना है 50%, तो कितना आएगा सेविंग्स, 50% इज योर सेविंग्स एंड इज द राइट आंसर। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसके बेसिक कंसेप्ट में पूछे जाते हैं। ये हो गया कंसेप्ट वन, ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट वन, जो आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी कैसे ये किया जाता है। अब ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कैसे करते हैं दोस्तों, ये समझिए, ये क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, आपको ये बोल देंगे कुछ क्वेश्चन इस तरह से कि आपकी कुछ इनकम है, ठीक है, आपकी कुछ इनकम है, आप अपनी इनकम का, आप अपनी इनकम का 10% अपने फूड पे खर्चा कर लेते हो। अपनी इनकम का 10% फूड पे खर्चा, खाने पे खर्चा कर लेते हो, रिमेनिंग यानी कि बची खुची का, रिमेनिंग इनकम का 20% आप दूसरी चीज लगा दो, ट्रैवलिंग पर खर्चा कर लेते हो। उसके बाद फिर से जो बची खुची इनकम होती है यानी कि रिमेनिंग इनकम का, रिमेनिंग पैसे का आप 10% फिर से कुछ अपनी हॉबीज पर खर्चा कर लेते हो। तो अब बताओ आपके पास एंड में सेविंग्स कितनी बचेंगी, व्हाट इज योर सेविंग्स, ये बताओ आपकी सेविंग्स कितने परसेंट होगी, आपको ये बताना है। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है बेसिक कंसेप्ट ऐसे ये किया जाता है, पर आपको बेसिक से करना नहीं है, बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। हम हमेशा इनकम को मानते हैं, हम हमेशा इनकम को मानते हैं 100%। यानी कि देखते जाओ, इनकम आपकी आई 100%, सबसे पहले क्या हुआ, आपने अपनी इनकम का, सबसे पहले क्या हुआ, आपने अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्चा किया फूड पे, 10% खर्चा, कितना परसेंट, 10% खर्चा आपने फूड पे किया। 100% का 10% क्या होता है, 100 का होता है 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 100 में से आपने 10% खर्चा कर लिया, बचा कितना, बचा कितना दोस्तों, बचा 90% बचा, ये है रिमेनिंग। ओके, 100% का जब आपने 10% फूड पे खर्चा कर लिया तो बचेगा कितना, 90%, ठीक। अब इस 90% रिमेनिंग का, अब इस 90% रिमेनिंग का आप 20% ट्रैवलिंग पर खर्चा कर लेते हो। यानी कि 90 का 20% क्या होता है, 9 2 18%, इस 90 का 18% आप कहाँ पे खर्च कर लेते हो, अपनी ट्रैवलिंग पर।
जब 18% आप खर्च कर लेते हो, बचेगा कितना, 70 बचेगा कितना आपके पास, 72%। ठीक है, 72% आपके पास बचेगा, ये है आपका रिमेनिंग। ये क्यों रिमेनिंग आया दोस्तों, क्योंकि 20% आपने ट्रैवलिंग पर खर्चा कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे 10% खर्चा किया, वैसे यहाँ पे आपने 20% खर्चा कर दिया रिमेनिंग पे। ठीक, अब फिर से बोलता है रिमेनिंग का 10% यानी कि 72 का फिर से 10% ये किस पे खर्चा करता है, अपनी हॉबीज पर। तो 72 का 10% क्या होता है, 7.2%। तो बचेगा कितना, 64.8% बचेगा, और यही होगी आपकी सेविंग्स। इस तरह से बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं, पर मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, आप बेसिक तरीके से ये क्वेश्चंस निकालो ही नहीं, आप इसकी ट्रिक यूज करो। और ट्रिक क्या है, द सक्सेसिव केस। और सक्सेसिव केस यहां पर क्यों लगा, यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि जब रिमेनिंग के क्वेश्चंस आ जाएं उस वक्त आप क्या करोगे। ऐसे तो पीछे वाला कंसेप्ट में आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते थे, डायरेक्टली आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते थे, लेकिन आपको क्वेश्चंस रिमेनिंग के ही आते हैं ज्यादातर, तो आपको यह समझना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन इनकम थी आपकी, अपनी इनकम का 10% आप फूड पे यानी कि खाने पर खर्चा करते हो, रिमेनिंग इनकम का आप क्या करते हो कि 20% आप खर्चा कर लेते हो अपनी ट्रैवलिंग पे, और फिर से जो बची खुची रिमेनिंग इनकम होती है उसका 10% आप अपनी हॉबीज पर या फिर पैशन पर खर्च कर लेते हो। तो बताओ आपकी एंड में सेविंग कितनी परसेंट हुई, कितनी परसेंट सेविंग हुई दोस्तों। ये जो जब आपको रिमेनिंग आपके क्वेश्चन पे दिखता है रिमेनिंग, आप सीधे सक्सेसिव केस यूज कर सकते हो, और मैं बताता हूँ ये आपको कैसे यूज करना है। पीछे वाले जो हमने इससे पहले किया, क्या आंसर आया था आपका, 64.8%, हो इससे भी वही आएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, इनकम आपकी 100% थी, ये तो आपको पता है। सबसे पहले आपने 10% खर्चा किए हैं फूड पे, 10% क्या होता है दोस्तों, 1/10। ठीक है, फूड पे 1/10, यानी कि 10 आपकी इनकम थी, आपने उसमें से एक का खर्चा कर लिया, बचेगी कितनी, 9, और ये 9 आपकी होगी सेविंग्स। पहली चीज फूड का हो गया, दूसरा आपका आया ट्रैवलिंग का, 20% आपने रिमेनिंग का खर्चा किया, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 आपकी इनकम थी, उसके बाद आपने एक का खर्चा कर लिया और बचेगी कितनी, 4। ठीक, दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है रिमेनिंग आपका, हॉबीज में 10% खर्चा किया, यानी कि 10 आपकी इनकम थी, एक आपने खर्चा कर लिया और कितना बचा, 9 आपका बचा। तो यहां से आप निकाल दो, 5 × 10 = 50 × 10 = 500, ये आपकी आ गई इनकम, और 9 × 4 = 36 × 9 = 54 × 5 = 27 × 32 324 आपकी सेविंग्स आ गई, 324 आपकी सेविंग्स आ गई। और मुझे फाइंड क्या करना है, सेविंग कितनी परसेंट है, 324 आपकी सेविंग्स है, किसके रिस्पेक्ट में होता है, इसके रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में, 500 × 100, ताकि परसेंट निकाल सके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 × 6 = 30 5 × 4 = 20 5 × 4 = 40 64.8% इज योर सेविंग्स। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या पहले वाला तरीका आसान था या ये वाला, जिसको सक्सेसिव केस आता है वो डायरेक्टली इस तरीके से करेगा और आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जब तक क्वेश्चन में आपको रिमेनिंग ना बोले, रिमेनिंग यानी कि किसी खर्चे से पहले आपका रिमेनिंग ना लगा हुआ हो, अगर किसी खर्चे से पहले रिमेनिंग नहीं लगा हुआ है तो उस पार्ट के लिए आप सक्सेसिव केस यूज नहीं कर सकते हो। अनटिल योर आपकी एक्सपेंडिचर से पहले, किसी खर्चे से पहले रिमेनिंग लगा हुआ है, तभी आप सक्सेसिव केस यूज करोगे। ओके, ये था ये दोनों के दोनों कंसेप्ट। अब हम करेंगे इसके बेसिस पर क्वेश्चंस, और मैं आपको क्वेश्चंस आप
देख सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने पहले किए वैसे ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन, प्रमोद स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम ऑन क्लॉथिस, 30% ऑन ट्रैवलिंग, 45% ऑन अदर आइटम्स। इफ हिज मंथली इनकम इज 32,500, देन वट डज ही सेव? आप मुझे खुद बताओ क्या यह सक्सेसिव केस है या नहीं? क्या यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर रिमेनिंग आपको दिख रहा है किसी पार्ट में भी? नहीं, तो यह सक्सेसिव केस नहीं होगा। ये आप जैसे करते हो वैसे ही करोगे। क्या है इनकम? इनकम हमारी हमेशा 100% होती है। खर्चा मेरा कितना है यहाँ पर? पहले 15% क्लॉथिस पे, ठीक है, उसके बाद 30% ट्रैवलिंग पर, ठीक है, फिर क्या होता है 45% कुछ अदर आइटम्स पर ये खर्चा कर लेता है। ये टोटल हो गया आपका एक्सपेंडिचर, कितना हुआ 45 + 45, 90% आपका एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम आपकी 100% है, 90% आपने खर्चा कर लिया, ठीक है, तो सेविंग्स आपकी कितनी होगी? ये क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, फिस मंथली इनकम इज 32,500, इनकम आपकी 100% है, 90% आपने खर्चा कर लिया, सेविंग्स आपकी कितनी होगी 10%, सेविंग आपसे कितनी हुई 10%। ये बोलता है जो आपकी इनकम है 100%, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 32,500 के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफ इज मंथली इनकम इज रुपीज 32,500, यानी कि 32,500, 20 से 20 कैंसिल, 1% मेरा आया 325। मैंने क्या फाइंड करना है? सेविंग्स जो है 10%, 10% क्या होगा 3250 इज द राइट आंसर। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इतना सिंपल था। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, रमेश सेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रैवलिंग, द रिमेनिंग 30% ऑन क्लॉथिस। इफ ही सेव्स 5040 पर मंथ, फाइंड हिज मंथली इनकम। सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, क्या इसमें सक्सेसिव केस लगेगा कि नहीं? इसमें लगेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में आपको रिमेनिंग दिखा यहाँ पर, रिमेनिंग दिखा यहाँ पर, यानी कि हर पार्ट में रिमेनिंग आपको दिख रहा है। तो जब रिमेनिंग आ गया क्वेश्चंस में, तो आप सीधे सक्सेसिव केस का यूज करो। सबसे पहला खर्चा कहाँ पर है? 40%, यानी कि 2/5। 5 उसकी इनकम थी फूड के लिए, सबसे पहला खर्चा 5 उसकी इनकम थी, उसमें से वो 2 का खर्चा कर लेता है, तो सेविंग्स कितनी होगी? सेविंग होगी 3। सेकेंड पार्ट कहाँ खर्चा करता है? रिमेनिंग ट्रैवलिंग पर, 50% ऑन ट्रैवलिंग, 1/2 होता है 50%, यानी कि 2 उसकी इनकम थी, उसमें से 1 का वो खर्चा कर लेता है, बचेगा कितना? 1। तीसरा क्लॉथिस पे वह खर्च करता है 30%, यानी कि 3/10, 10 उसकी इनकम थी, 3 वो खर्चा कर लेता है, बचेगा कितना? 7। तो करो इसको सॉल्व करो, 5 × 2 = 10, 10 × 10 = 100, ये आ गई आपकी इनकम। 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21, 21 आपकी आ गई सेविंग्स। इफ ही सेव्स 5040, यानी कि जो आपकी ये सेविंग 21 दी हुई है, अगर ये 5040 के बराबर है, तो हमें पूरी इनकम बताओ, हमें उसकी इनकम बताओ। इनकम क्या है? 100। 21 ratio 5040 के बराबर है, 1 ratio किसके बराबर हो जाएगा? 21 × 2 = 42, यानी कि 84 × 4, ठीक है, 21 × 4 = 240, 1 ratio क्या आ जाएगा? 240 के बराबर। मुझे क्या फाइंड करनी है? इनकम। मुझे क्या फाइंड करनी है? इनकम। इनकम क्या है? 100 ratio, तो 100 ratio किसके बराबर आ जाएगा? 24,000 के बराबर। दिस इज योर राइट आंसर। क्या आपको दोनों कंसेप्ट समझ आ गए? दोनों के दोनों कंसेप्ट, जिसमें रिमेनिंग नहीं लगा होता और जिसमें रिमेनिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। अब क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, एक्चुअली ये भी आपके सक्सेसिव केस में ही क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सक्सेसिव केस में ही आते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सक्सेसिव केस का ही है। सक्सेसिव केसेस के क्वेश्चंस में थोड़ा अलग क्वेश्चन हम कंसेप्ट देखते हैं। The population of a village is 1,12,000. किसी population, किसी village की population दी गई हुई है 1,12,000. If it increases at the rate of 5% per annum, then find the population of the village after 2 years.
विलेज की पॉपुलेशन दोस्तों 112,000 दी गई हुई है। पहले क्या होता है, इफ़ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, हर साल ये 5% हर साल ये बढ़ती जाती है, तो बताओ पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली दोस्तों सक्सेसिव केस से बिल्कुल आसानी से निकलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस लोग करते हैं पता कैसे हैं, वो क्या करते हैं कि एक्स मान लेते हैं उसकी पॉपुलेशन पहले साल 5% 5/100, फिर से दूसरे साल 5% 5/100 इक्वल्स टू पॉपुलेशन उसकी कितनी थी उसको उसके बराबर लिख लेते हैं अगर 2 साल के लिए दिया गया हो, तो 2 साल बाद जितनी होगी तो वो वैसे करके निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पहले वाली पॉपुलेशन बताई है 112,000, इस तरह से ये क्वेश्चंस निकालते हैं। मैं आपको बोलता हूँ ऐसे ये क्वेश्चंस आप निकालो ही मत, आप डायरेक्टली सक्सेसिव केस पर जाओ। क्या हो रहा है, पहले साल क्या होता है 5% पॉपुलेशन इंक्रीज होती है पहले साल। 5% क्या होता है 1/20, यानी कि पहले पॉपुलेशन 20 थी, फिर एक इंक्रीज हुआ और 21 हो गई। दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल भी 5% पॉपुलेशन बढ़ी, यानी कि पहले पॉपुलेशन 20 थी फिर 21 हो गई। कैसे निकला सक्सेसिव केस, 20 × 20 = 400, 21 × 21 = 441। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 1,12,000, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 2 ईयर्स। ये जो पॉपुलेशन है ये 2 साल बाद की है, ये पॉपुलेशन है प्रेजेंट की, अभी की। ये जो अभी वाली पॉपुलेशन है 400, ये किसके बराबर है 1,12,000 के। 20 से 20 कैंसिल, एक मेरा आंसर आ जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32, यानी कि 1:280 के बराबर, तो फिर 441 किसके बराबर आ जाएगा, 441 को मल्टीप्लाई कर दो 28 से और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, 3 × 8 = 32, 35 and 2 × 2 = 2, 4 × 8 = 2, 4 × 8 = 8, यानी कि 8, 4, 13, 12, 1, 2, 3, 4, 8, 0 आपकी पॉपुलेशन होगी आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये निकलेगा। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 67,600, इफ़ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 15.38% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन आपका निकलेगा। सबसे पहली चीज, हर साल 15.38% पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है। 15.38% क्या होता है दोस्तों, 7.69% अगर आपको याद हो ये होता है 1/13, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 15.38%, यानी कि 2/13, यानी कि पहले साल आपकी पॉपुलेशन क्या थी 13, उसमें 2 का इंक्रीज हुआ ये हो गई 15, दूसरे साल क्या हुआ फिर से ये 15.38% बढ़ी है, यानी कि 13 आपकी दूसरे साल पॉपुलेशन थी, फिर से 2 बढ़ी 15 हो गई। आफ्टर 2 ईयर्स आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, 13 × 13 × 13 यानी कि 169, एंड ये हो जाएगी 169 और ये हो जाएगी 225। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद आपकी पॉपुलेशन क्या होगी वो बताओ। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 67,600, यानी कि जो 169 है अगर ये 67,600 के बराबर है तो बताओ आप 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, यानी कि 225 की रेशियो किसके बराबर होगी। इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24, हाँ एक रेशियो मेरा 4 के बराबर आ जाएगा, एक रेशियो मेरा 400 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थी पहले वाली पॉपुलेशन, ये थी 167,000 के बराबर, ये है आफ्टर 2 ईयर्स वाली पॉपुलेशन, 2 साल बाद वाली पॉपुलेशन, यानी कि 225 रेशियो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 225 हो जाएगा 225 × 400, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 9, 10, 4 × 8 = 9, यानी कि 90,000 के बराबर हो जाएगी 2 साल बाद आपकी पॉपुलेशन। ओके, ये था दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से ये सक्सेसिव केसेस से ये क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप होमवर्क के लिए रख सकते हो। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6,250,
इफ़ इट इंक्रीजेज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीजेज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, इंक्रीजेज बाय 30% इन द थर्ड ईयर, वट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन हैं, बस इस बार मैंने हर एक साल के लिए अलग अलग परसेंट आपको दी हुई है। ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के लिए रख लीजिए और होमवर्क में ये क्वेश्चन ज़रूर करके आइएगा। कल हम सबसे पहले आकर ही इसको करेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का आपको इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स वाला कंसेप्ट जिसमें दोनों पार्ट हमने पढ़े वो भी समझ आए होंगे। जैसे ही हमारे ये सभी कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमारा परसेंटेज भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कोई भी बुक उठा लो और बुक से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका लेवल इंक्रीज होगा और आप उससे उन क्वेश्चन के मामले में आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन निकालना चालू हो गए तो फिर ये समझ लीजिए कि आपका लेवल अप हो चुका है। वरना बेसिक क्वेश्चंस अगर आप समझते हो कि बेसिक लेवल से अगर आप क्वेश्चंस करोगे, बेसिक लेवल वाले क्वेश्चंस ही सॉल्व करते रहोगे तो इस तरह से नहीं चलेगा मैथ दोस्तों। आपको एक लेवल अप वाले क्वेश्चंस भी निकालने होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। कल हम समझेंगे परसेंट पास एंड परसेंट फेल का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ कल हम एक दो क्वेश्चन एलिगेशन मेथड पर भी करेंगे। एलिगेशन पर भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट परसेंट के हम कल करने वाले हैं। और कल के बाद अभी आपका एक और कंसेप्ट बचता है। एक तो इलेक्शन बेस्ड कंसेप्ट है, इसके बेसिस पर ही आपको क्वेश्चन आते हैं। और आज कल आपको कमीशन पर भी क्वेश्चन आने लगे हैं दोस्तों। तो कमीशन पर भी हम क्वेश्चन करेंगे एक दो। तो जितने कंसेप्ट हो सके हम परसेंटेज में कंसेप्ट सीखेंगे। तो नेक्स्ट 3 से 4 पार्ट्स में हम हमारा परसेंटेज कंप्लीट कर देंगे। फिर हम मैथ का नया यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखिए दोस्तों। अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू हो आप तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमारे एम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स हमारे दूसरे चैनल जे के अफेयर्स पर भी चलते हैं, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट के साथ।